अस्सलाम जी, आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वॉचिंग द लॉ सेशन। हम कानून शहादत ऑर्डर पढ़ रहे हैं और आज हम आर्टिकल 78 पढ़ेंगे। हेडिंग है प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन अलेज्ड टू हैव साइंड और रिटन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड। अब ये आर्टिकल इससे रिलेटेड है कि ये एक बेसिकली एक जनरल सा आर्टिकल है। इसमें ये बताया गया है कि जो भी हैंड राइटिंग को या आप को किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी पर्सन को लैच करते हैं कि उसकी हैंड राइटिंग है या उसके ये सिग्नेचर है, सिग्नेचर या हैंड राइटिंग को आप कहते हैं कि ये उस पर्सन की है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। द आर्टिकल स्टेट्स इफ़ अ डॉक्यूमेंट इज़ अलेज टू बी साइंड और टू हैव बिन रिटन होली और इन पार्ट्स बाई एनी पर्सन। अगर किसी डॉक्यूमेंट के रिलेटेड आप ये कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट इस पर्सन ने साइन किया है या ये उसकी हैंड राइटिंग है, उसने लिखा है पूरा पूरे का पूरा या उसमें कोई पार्ट जो है वो इस पर्सन ने लिखा है, तो इन सिचुएशंस में द सिग्नेचर और हैंड राइटिंग ऑफ सो मच ऑफ द डॉक्यूमेंट इज़ अलेज्ड टू बी इन दैट पर्सन हैंड राइटिंग मस्ट बी प्रूव टू बी इन हिज हैंड राइटिंग। जनरल सा आर्टिकल है, इसमें ये कहा गया कि जब आपने अलेज करना ना कि ये इस पर्सन की हैंड राइटिंग है या उसके सिग्नेचर है, तो आपने ये प्रूव करना है कि ये उसी पर्सन की हैंड राइटिंग है या उसी पर्सन के सिग्नेचर है। अब इसमें फर्दर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, सिंपल सा आर्टिकल था, इसमें कौन से मेथड्स यूजुअली यूज़ किए जाते हैं किसी की हैंड राइटिंग को प्रूव करने के लिए या किसी के सिग्नेचर्स को प्रूव करने के लिए। सो नंबर वन, बाई एडमिशन, कि अगर तो जिस पर्सन को आप कोई डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कह रहे हैं कि ये उसके सिग्नेचर हैं या उसकी हैंड राइटिंग है, अगर वो एडमिट कर ले कि यस ये मेरे ही सिग्नेचर है, मेरी ही हैंड राइटिंग है, सो थ्रू हिज एडमिशन वो हैंड राइटिंग या वो सिग्नेचर प्रूव हो सकते हैं। और एग्जामिनिंग द पर्सन हु हैज़ साइंड द डॉक्यूमेंट्स, या उस पर्सन को आप एग्जामिन कर सकते हैं, उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं उसकी हैंडराइटिंग को प्रूव करने के लिए, उसके सिग्नेचर को प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट, बाय एग्जामिनिंग द पर्सन बिफोर होम द अलेज्ड डॉक्यूमेंट वाज साइंड, या उस पर्सन को आप एग्जामिन कर सकते हैं, उसकी गवाही दिलवा सकते हैं जिसके सामने उस पर्सन ने वो डॉक्यूमेंट साइन किया था या लिखा था, उस पर्सन की भी आप एविडेंस दिलवा सकते हैं, उसको एग्जामिन कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाई रेफरिंग द डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट एंड द स्पेसिमन सिग्नेचर ऑफ द पर्सन और एडमिटेड सिग्नेचर ऑफ टू द हैंड राइटिंग एक्सपर्ट फॉर हिज ओपिनियन। नेक्स्ट आ जाती है, थ्रू एक्सपर्ट भी इसको प्रूव किया जा सकता है कि उस, अगर तो अलेज किया गया ये उस पर्सन की हैंड राइटिंग है या सिग्नेचर है, तो उसका एक स्पेसिमन ले के या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पे उसकी हैंड राइटिंग या उसके सिग्नेचर्स एडमिटेड हैं, उस स्पेसिमन के साथ उसको एक्सपर्ट के पास भेज दिया जाता है उस डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट को भी, और उसकी ओपिनियन आ जाती है। सो इस थ्रू एक्सपर्ट ओपिनियन भी प्रूव किया जा सकता है किसी पर्सन की हैंडराइटिंग को या उसके सिग्नेचर को। नेक्स्ट वन, बाय एग्जामिनिंग द पर्सन हु हैज़ कन्वर्जेंट विद द सिग्नेचर, या किसी ऐसे पर्सन की से भी उसको इस किसी पर्सन की हैंड राइटिंग या सिग्नेचर को प्रूव किया जा सकता है जो उसके सिग्नेचर से, उसकी हैंड राइटिंग से कन्वर्जेंट हो, उसने देखी हो, उसको पता हो। फॉर इंस्टेंस, अगर रोज़ किसी बंदे की खत किताबत होती है या वो उसके उसने कई दफ़ा उसको सिग्नेचर्स को देखा है, उसकी हैंड राइटिंग को देखा है, तो उस पर्सन की भी को भी एग्जामिन करवाया जा सकता है जो उसकी हैंड राइटिंग या सिग्नेचर से कन्वर्जेंट हो। बाई कंपेरिजन ऑफ सिग्नेचर ऑन डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट ऑन एडमिटेड डॉक्यूमेंट बाई कोर्ट, या फिर कोर्ट खुद भी एग्जामिन कर सकती है कि जो एक एडमिटेड डॉक्यूमेंट है जिस पे उस पर्सन की हैंड राइटिंग है या सिग्नेचर है और एक डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट है, तो वो दोनों को साइड बाई साइड रख के कोर्ट खुद भी उसको एग्जामिन करके डिटरमिन कर सकती है कि ये इस पर्सन की हैंड राइटिंग और सिग्नेचर हैं या नहीं है। कोर्ट के पास ये भी ऑप्शन होती है कि कोर्ट खुद भी कर लेती है एग्जामिन उसके किसी एडमिटेड डॉक्यूमेंट से, या कोर्ट कह देती है अभी इधर सामने आओ, खाली पेज पे ये लिखो या ये साइन करो, उसके साथ खुद भी कोर्ट कंपेरिजन कर सकती है, या अगर कोई डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एडमिटेड है उसके साथ भी कोर्ट उसको कंपेयर कर सकती है। सो अब किन किन तरीक़ों से हैंड राइटिंग या
जो सिग्नेचर्स होते हैं उनको प्रूव किया जा सकता है, अगर तो पार्टी खुद एडमिट कर ले फिर, या जिस पर्सन के डॉक्यूमेंट्स को हैंड राइटिंग को आप क्लेच कर रहे हैं ये उसकी है उसको एग्जामिन कर लो, या फिर आ जाता है जिस पर्सन ने के सामने वो डॉक्यूमेंट्स पे उसने साइन किए हो या हैंड राइटिंग उसने उस पर लिखा हो उसको एग्जामिन किया जा सकता है, एक्सपर्ट को भेजा जा सकता है, जिस पर्सन जो पर्सन उसकी हैंड राइटिंग या उसके सिग्नेचर से कन्वर्जेंट है उसको एग्जामिन किया जा सकता है, या कोर्ट कंपैरिजन भी कर सकती है इटसेल्फ खुद भी किसी एडमिटेड डॉक्यूमेंट से, या फिर उसको खुद भी कह सकती है कि इस पेपर पे साइन करो या हैंड राइटिंग करो। सो इन तरीकों से हैंड राइटिंग या जो सिग्नेचर्स होते हैं उनको प्रूव किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़।